बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीबर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं उज़्मा और आप देख रहे हैं उज़्मा फूड डायरीज़। आज मैं आपको मिल्की बन बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले 1/2 कप जो है वो पानी का है, आधा कप के करीब है। 1/2 कप जो है ये दूध का जाएगा इसमें। 1 अदद अंडा है, ये जाएगा इसमें। 1/4 कप जो है चीनी का इसमें जाएगा। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेना है और 1 टेबल स्पून जो है ईस्ट की जाएगी, जीस्ट की। वन बाई फोर टीस्पून जो है नमक की जाएगी और 1 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर की जाएगी, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जी वीवर्स, बन बनाने के लिए की डो बनाने के लिए मुझे 3 कप जो है मैदे के चाहिए। ये मैं अच्छी तरह पहले इस मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी कि चीनी जो है अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। जी ये 3 कप मैंने मैदे के डाल दिए हैं इसमें। अब जो ये जो मिक्सचर बनाया था इसको आहिस्ता आहिस्ता मैदे में डालते जाना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह, हाथों की मदद से इसे ऐसे गूंदना। बस इस डो को इतना अच्छी तरह गूंदना है कि जितना आप अच्छी तरह गूंदेंगे उतने ही आपके नरम बन बनेंगे। अब ये ना 3 टेबलस्पून जो है कुकिंग ऑयल का है, अभी इसमें थोड़ा सा डालेंगे। ये अच्छी तरह इसको मिक्स करूंगी। जितनी आप कोशिश इसे करेंगे ऊपर ऐसे करके दबा के। व्यूअर्स, ये ट्रिक मैं बता रही हूँ कि कुकिंग ऑयल इसलिए मैंने डाला था कि ये जो मिक्सचर है आपके ये चिपक रहा था मेरे हाथों को और इसीलिए ये चिपकना बंद हो जाएगा। और अच्छी तरह इसको ऐसे करके मसल मसल के कि अच्छी तरह जो तेल है इसमें अब्जॉर्ब हो जाए। जितना आप अच्छा गूंदेंगे उतने ही आपके सॉफ्ट बंद बनेंगे। इस तरह का गहरा बॉल ले लेना और इसको अच्छी तरह ग्रीस कर लेना कुकिंग ऑयल के साथ, क्योंकि ये इसलिए ग्रीस ये ट्रिक है कि इसलिए ग्रीस कर रहे हैं कि क्योंकि इसके ऊपर सिकरी ना आए आटे के ऊपर, वो सिकरी से बचाने के लिए इसको हम ऑयल कर रहे हैं। ये देखें, इसका ऐसे 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 ऊपर नीचे करके इसको ऐसे करके ऐसे कर देना, ऐसे रख देना और इसे थोड़ा सा फिर ऊपर हल्का सा ये कुकिंग ऑयल लगा देना है। जी भी बस इस तरह रैपिंग शीट ले लेनी है। ये इसको अच्छी तरह ये जो बॉल है इसको कवर करना है कि जो हवा का आए अंदर तक ना जाए, बिल्कुल अच्छी तरह इसे कवर करना है। जी भी बस मैंने इसे अच्छी तरह रैप कर दिया है
और इसे 2 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे रखना है कि अच्छी तरह ये जो है फूल जाए जी। भी बस इसे पड़े हुए 2 घंटे हो गए हैं, ये माशाल्लाह ऐसे फूल गया है। अब इसको आटे को इकट्ठा करूँगी और करके तो फिर इसको इसके बंद बनाऊँगी। जगह को थोड़ा सा ये जगह को डस्ट किया है मैदे से और ये आहिस्ता आहिस्ता उठा के जोर से इसकी पिटाई कर दी है। फिर इसको ऐसे लंबे रूप का कर लें, थोड़ा सा और डस्ट कर लें जो चिपक रहा है। तरह लंबे रूप का करके और इसको बराबर बराबर साइज में आपने इसको तेज छुरी लेके उससे इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए अब इसको बराबर बराबर इसकी कटिंग कर लेनी है बिस्मिल्लाह तेज छुरी के साथ। इतना बेकिंग ट्रे ले लिए और इस पर थोड़ा सा इसे डस्ट कर लिया है मैदे के साथ। ये देखें अब एक एक पेड़ा उठाना है इसको एक एक फासले में रखना है क्योंकि इसने फूलना है, जब इसे बेक होगा तो इसने आहिस्ता आहिस्ता फूलना है। जी व्यूअर्स इसको कवर करके 10 मिनट और फूलने के लिए रख देंगे फिर इसे बेक करूँगी मैं। ये जो तरीका है ये बग़ैर ओवन के मैं स्टीम में बनाऊँगी इसे। ये एक ही रखना है इधर एक इधर बस ज़रा थोड़ा ना फासला देना है जी। इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख दूँगी जी। ये 10 मिनट हो गए हैं। अब ये एक अंडे की जर्दी लेनी है, सफ़ेदी अलहदा कर देनी है और जर्दी लेनी है। इसको ब्रश की मदद से इसके ऊपर आपने ये लगाना है अच्छी तरह। अब ये सफ़ेद तिल थोड़े थोड़े इसके ऊपर छिड़काव कर देना है इसका। ये थोड़ी सी कलमंजी एक चुटकी अब इसको 180 सेंटीग्रेड तक 10-15 मिनट तक ओवन में रखना है जी। भी बस इसे मैंने देचकी में कुक करूँगी 20 मिनट सिर्फ जी। ये मेरे पास स्टैंड नहीं था, मैंने एक स्टील की ट्रे लेके वो इसमें रखी है बिस्मिल्लाह। ये इसमें रख दिया और इसे अच्छी तरह कवर कर देना और सिर्फ 20 मिनट इसे बेक करना है हल्की आंच पे जी। भी बस ये है मेरी रेसिपी की फाइनल लुक। देखें कितने सॉफ्ट सॉफ्ट से बने हैं, स्पंची और सॉफ्ट से। ये देखें और ये देखें माशाल्लाह। हाँ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। आप जहाँ भी रहें खुश रहें और हंसते मुस्कराते रहें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते रहें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि वसल्लम।